सम्मानित शिक्षक शिक्षिका अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये 75 वर्ष हम लोग आज़ादी का पूरा कर चुके हैं और इस आज़ादी को हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में आज मना रहे हैं। लग से बोलिए सर, लग से। हेलो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस जो इस बार हम लोग मना रहे हैं, इसको अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक लगातार 13 से शुरू होके 13, 14, 15 तक चल रहा है। आज 15 अगस्त है, तो हम विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को सादर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बच्चों को भी अभिनंदन करते हैं और बच्चों में जो उत्साह है उसको निश्चित रूप से बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि आज का दिन को हम सभी को याद करने की जरूरत है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और उस दिन से आज तक हम लोग प्रत्येक 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। आप सभी को याद होगा कि उससे पहले जो हमारा देश था वो गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेज के शासनकाल में हम लोग रहते थे। अंग्रेज की कुव्यवस्था इस तरह की थी कि वो ना हमको पढ़ने देता था, ना ही अच्छा से जीने देता था। जो उसकी मर्जी होती थी उसी के अनुसार हम सबों को चलना होता था और वो मुट्ठी भर आदमी थे, अंग्रेज बहुत ज्यादा नहीं थे, मुट्ठी भर आदमी थे, लेकिन क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं थी उस वजह से लोग जाते थे, 2-4, 10-5 की संख्या में जाते थे, मर के आ जाते थे। धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस हुआ, जागरूकता जगी लोगों में, जब ये समझ में आ गया कि मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी भारत की जो आबादी है उस पर कब्जा किए हुए हैं, तो लोगों में एक गजब का उत्साह जगा, यूनिटी बना, एकता बना। और आप सभी जानते हैं कि एकता में बल होता है और उसी का नतीजा है कि 1947 में हमारा देश पूर्ण रूपेण आजाद हो गया। तब से हम खुली सांस ले रहे हैं, अपना मन मर्जी से जहां मन होता है वहां पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपना मन से सब चीज करते हैं। लेकिन उससे पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, उससे पहले हमको शिक्षित नहीं होने दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, इसलिए कि ये पढ़ लिख लेगा तो अपने अधिकार, अपने हक और हकूक को समझ जाएगा। जिस दिन हक और हकूक को समझ जाएगा उस दिन ये जो हम तानाशाही का रवैया अपनाते हैं, इस पर काले पानी की जो सजा देते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर समय उसकी नीति रहती थी कि फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो का अर्थ आप समझते हैं ना, कि अपने में लड़ा देना, अपने में गुट बना के, गुटबंदी करा के लड़ा देना, ताकि उस गुटबंदी के चलते क्या होता था कि हम लोग आपस में लड़ लेते थे और अंग्रेज का छोटा सिपाही हम पर हुकूमत करता था, एक गांव पर 5-7 सिपाही भारी पड़ जाता था, इस तरह का मानसिकता हम सबों में भर दिया था। तो धीरे धीरे इससे हम सबों में धीरे धीरे यूनिटी बना, एकता के चलते हम लोगों ने अपने देश पर 1947 में फतह तो पा लिया, लेकिन अभी भी समझिए कि जो हम लोगों का साक्षरता का दर होना चाहिए वो नहीं है, हम लोगों को जो शिक्षित होना चाहिए वो नहीं है। जब हम शिक्षित नहीं होंगे, आप सभी जान लीजिए, तब तक हम अपने अधिकार को कभी नहीं समझ पाएंगे। और जब हम अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, कर्तव्य को नहीं समझेंगे, तो हर समय लोग निश्चित रूप से हमको डराएगा, धमकाएगा और उसकी बात को सहना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आप सभी समझ लीजिए कि एकमात्र शस्त्र हम लोगों के पास विद्या है, शिक्षा है, जिसको पाने से हम हर ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण भी आप सबों ने देखा कि जो भी गरीब तबका का भी बच्चा, आज जान लीजिए कि भारत संविधान के जो ये निर्माता है वो कौन है, वो दलित वर्ग से आते हैं, उनको बहुत ज्यादा कठिनाई में पढ़ने का मौका मिला था, उन जब भी पढ़ते थे तो उनको क्लास से बाहर बैठाया जाता था। वो शख्सियत का नाम आप सबको पता है कि नहीं, कौन है?
जो संविधान के निर्माता है कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने आज इस संविधान को लागू करवा के और ये जो आरक्षण की पद्धति है उसको लागू किया, ताकि जो हमारे पिछड़े भाई बहन हैं, पिछड़ा वर्ग की बच्चा बच्ची है, वो कम से कम अच्छी शिक्षा ले, अच्छा से अच्छा पद को प्राप्त करे। और अच्छा से अच्छा पद को प्राप्त तब करेंगे हम जब उसके लिए हम अपनी योग्यता को निर्धारित करेंगे, योग्यता के मानक को पूरा करेंगे। और उस मानक को पूरा करने के लिए अभी से ही आप सबको लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत से कुछ नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आप सभी मेहनत के लिए संकल्पित है ना, दृढ़ संकल्पित है ना। ये झंडा आन है, शान है, और इसको हर समय अपने ऊंचाई पर रखना है। इस ऊंचाई को बरकरार रखने के लिए आप सबको पता होना चाहिए कि इसके लिए एकमात्र अस्त्र हमारे पास क्या है? शिक्षा है। तो उसको आप सभी निश्चित रूप से शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए। अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो अपने परिवार को, अपने समाज के नाम को निश्चित रूप से आप रोशन करने का काम करेंगे। और अभी आप सबको पता होगा कि कुछ कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन कोविड के चलते ये कार्यक्रम को रात में रोक दिया गया है। विभाग का एक पत्र आया है जिसमें कोई भी विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करना है। उसके फलस्वरूप हम लोग चाहेंगे कि बहुत कम समय में, क्योंकि जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं तो वो बहुत कम समय में अपनी अपनी बात को रखेंगे। तो इसके लिए हम सभी सबसे पहले व्यवस्थित होकर बैठ जाएं, उसके बाद कार्यक्रम का अभी प्रारंभ हम लोग करेंगे। और ठंडा में ही अपना जगह लेके आप सभी ठंडा में ही बैठ जाएं, उसके बाद कार्यक्रम का प्रारंभ हम लोग करेंगे विधिवत रूप से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधान अध्यापक द्वारा श्री प्रवीण कुमार तरुण के द्वारा आजादी के महोत्सव के बारे में बेहतरीन ढंग से बहुत ही कम ही शब्दों में बताया गया।